हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, बेसिक केमिस्ट्री की 10th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज इसमें हम फंक्शनल ग्रुप और रेडिकल यानी क्रियात्मक समूह व मूलक का अध्ययन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने बोला था आपको सिंगल बॉन्ड वाले, जिनको आपने एल्केन बोला था, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड में रखे थे, जिनको आपने एल्कीन और एल्काइन बोला था। ठीक है, अब हम इससे आगे की बात करेंगे। कुछ इन्हीं एल्केन या एल्कीन से रेडिकल कौन कौन से बन पा रहे हैं वो देखेंगे, और फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं वो भी देखेंगे। चलिए, इससे पहले थोड़ा सा आपको कुछ कॉमन बातें बताने की आवश्यकता है, तो उनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जो कि नोमेनक्लेचर के लिए आवश्यक है। अगर आपने पहली बार ये चैनल ओपन किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ मिल जाएंगी। ये वीडियो आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो ये अभी समझ में नहीं आएगा, इससे पहले वाली वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 एंड C10, इन सब के नेम होते हैं। इन नेम को आप लोग लिख सकते हैं मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन एंड डेक। ठीक है, इस तरीके से आप हिंदी में भी लिख लीजिएगा इनको, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन और डेक। ठीक है, क्या यूज है इसका अभी बता देते हैं। आपको अगर सिंगल बॉन्ड यूज करना है तो इन सबके नाम के साथ में एन आ जाएगा, एन, ठीक है, ANE ये लग जाएगा। क्या नेम बन जाएगा, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सोन। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी बना सकते हैं। ये क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड होने पर देखिए क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड होने पर ENE लगेगा पीछे। ठीक है, तो पहले कार्बन के लिए तो ये होता ही नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं होगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ठीक है, इसमें लग जाएगा YNE, ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था। ठीक है, फॉर्मूला भी हमने लिखाए थे, आपको याद आ रहा होगा कि एल्केन का जो फॉर्मूला था CnH2n+2 था, जबकि एल्कीन का जो फॉर्मूला हमने लिखाया है वो CnH2n लिखाया है, एल्काइन का जो लिखाया है वो CnH2n-2 लिखाया है। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, इनको भी आप याद कर सकते हैं। डबल बॉन्ड पर क्या बन जाएगा, अब ये नेम क्या बनेगा, एथीन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पर विशेष ध्यान देना है, ये एथाइन, प्रोपीन, ये प्रोपाइन, ठीक है, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, इस तरीके से एंड सो ऑन। आप इनको प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, आप पूरे के पूरे 10 तक लिखिएगा, मैंने कुछ आपके लिए छोड़ दिए हैं खाली, ताकि आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, ये आपके शुरुआत के नॉमनक्लेचर के लिए, बिल्कुल जैसे हिंदी में आप देखते हैं या इंग्लिश में देखते हैं ABCD, या छोटा आ से अनार, बड़े आ से आम, इस तरह से वही चीज़ें ये केमिस्ट्री के IUPAC यानी नॉमनक्लेचर करने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं। इनको आप लोग याद कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, चलिए आप रेडिकल देखते हैं। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इन्हीं से मिलकर के रेडिकल बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, CH3, C2H5, C3H7,
C4H9, C5H11, ठीक है, दो गुने से एक ज़्यादा है, हर बार टू टाइम्स से वन प्लस है, फोर टू जाए 8+1, फाइव टू जाए 10+1, ठीक है, C6H13, C7H15, इस तरीके से, ठीक है। क्या नेम हो जाएंगे इनके, ये नेम यहीं से निकलेंगे। इनके नेम के लिए रेडिकल और साफ ध्यान दीजिएगा कि इनमें सिंगल बॉन्ड बचा भी हुआ है, कार्बन की वैलेंसी चार होती है, तीन एच के साथ में हो गया, एक अभी भी वैलेंसी बाकी रह गई, ठीक है। ये पिछली वीडियो में हमने समझाया भी था कि कार्बन की चार वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, तो एक वैलेंसी बची हुई है, वो ये रहा खाली बॉन्ड। इसका, इस खाली बॉन्ड के साथ की बात हो रही है, इसका, इसको ही रेडिकल कहते हैं, यानी कि जो रिएक्शन करेगा, तो वो क्या होगा, क्या पोर्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये मैथिल कहलाएगा। इसके लिए वाई एल लगाते हैं आप, क्या लगाते हैं इसके लिए आप, वाई एल लगाते हैं, ठीक है। तो मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ठीक है, और भी आगे तक आप बना सकते हैं, 10 तक तो कम से कम बना के चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी कोई आप पूछने लग जाओ कि 10 से आगे C11 के लिए क्या नेम हो जाएगा, तो वो डेक 1 डेक 2, इस तरीके से आगे बढ़ जाता है। फिलहाल आपके लिए केवल इतने ही आवश्यक हैं, और इतने ही आप लोग याद भी कर लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो ये आपके रेडिकल हो गए, ये इनके नेम नॉमनक्लेचर के लिए हो गए, ये इनके फॉर्मूले एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए हो गए। एल्केन को आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जबकि इन दोनों को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप एन की वैल्यू को 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखते चले जाइए, तो आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के मिल जाएंगे। एन की वैल्यू 1 के लिए एल्कीन या एल्काइन के एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लग सकता, कार्बन कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात कही गई है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात अगर आपको पूछनी हो, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आपको दे दिए हैं, वहाँ से भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप। यहां मैं क्रियात्मक समूह को लिखूंगा, यहां उसका नाम लिखूंगा, यहां उसका मैं प्रीफिक्स लिखूंगा, हिंदी में अनुलग्न कहते हैं इसको, प्रीफिक्स पूर्व लग्न कहते हैं, और इसे सफिक्स यानी अलुनग। पूर्व लग्न मतलब किसी भी नेम से पहले जो यूज किया जाता है, जैसे आप लिखते हैं श्री एक्स वाई जेड सिंह, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये अनुलग्न है, ठीक है, और ये पूर्व लग्न है, प्रीफिक्स ये सफिक्स, नाम से पहले और बाद में, ठीक है, इस तरीके से। क्या क्या है आपके पास, सबसे पहले आता है OH, इसका नाम होता है एल्कोहल। प्रीफिक्स की बात करेंगे तो इसको हाइड्रोक्सी कहा जाएगा, इंग्लिश ही नेम है एक्चुअली में, आप लोग चाहे जैसे लिख लीजिए। अनुलग्न की बात करेंगे तो ऑल लगाएंगे। इसके बाद में आता है CHO, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं इसको, आगे लगाएंगे तो एल्डो लगाएंगे, और पीछे लगाएंगे तो अल लगाएंगे, अल, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, इसको कीटोन ग्रुप कहते हैं, आगे लगाएंगे तो कीटो लगाएंगे, जबकि पीछे लगाएंगे तो ऑन लगाएंगे। फिर इसके बाद में COOH, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, आगे लगाएंगे तो कार्बोक्सी यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे ये आगे वाली वीडियो में देखेंगे जब आपको IUPAC पढ़ाएंगे, तो कार्बोक्सी, और पीछे अगर लगाएंगे हम तो कार्बोक्सी अम्ल बताएंगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यही लगाएंगे पूरा का पूरा, इसमें पीछे के लिए ऐसा कुछ विशेष नहीं है, ठीक है।
फिर इसके बाद में Cl है, ये क्लोरीन हो गया, यानी हेलोजन के अंतर्गत आता है। आगे लगाएंगे क्लोरो, पीछे के लिए इसके लिए कुछ नहीं है। ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, आगे ही लगेंगे ये सारे के सारे हेलोजन, आगे ही लगते हैं। ब्रोमो, आयोडो, इनके लिए अनुलग्न कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनके लिए ये आपका हो गया एल्केन, ये एल्कीन और ये एल्काइन। इनमें पूर्व लग्न नहीं होता, इनमें सफिक्स ही मिलेंगे। एन लगाएंगे, ईन लगाएंगे और आइन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। कुछ और भी आपको मिलते हैं, जैसे आपका NH2 है, ठीक है। NH2 जो हो जाएगा वो आपका एमीनो हो जाएगा, ठीक है। एमीन होता है ये, आगे लगाएंगे तो एमीनो लग जाएगा, ठीक है। पीछे के लिए इसके लिए कुछ विशेष नहीं है। तो इस तरीके से आप इनके नेम बना सकते हैं, ठीक है। पीछे अगर लगाना भी है तो इसको एमीन लगा सकते हैं, ठीक। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, इनको आप लोग नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कहीं से कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो। ठीक है, नोट हो गए। मैंने आपको स्क्रीनशॉट करने के लिए भी दे दिया टाइम, स्क्रीनशॉट कर सकते थे, ले सकते थे, या इनको वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। और भी कई हैं फंक्शनल ग्रुप, लेकिन वो आप ये बेसिक केमिस्ट्री से फिर हट करके हो जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जब आपको जाननी हो। 10th लेवल तक के लिए या 11th लेवल तक के लिए इतने सफिशियंट है, इन्हीं में से ही आपको पूछ लिया जाता है। क्लियर ये वाली बात? अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ जिससे कि आप इसको कर पाए। चलिए मिटा देते हैं। अब इससे आगे वाली वीडियो में हम IUPAC के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे भी और उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे आपको इनका नॉमनक्लेचर करना आ जाएगा। ये एक्चुअली में यूज़ किए जाएंगे कुछ इस तरह से, जैसे CH3OH है तो आपको पता है कि जो CH3 है उसका नियम मेथ होता है। सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो एन हो जाएगा और OH लगा हुआ है तो ऑल लगेगा, तो इसका नाम हो गया मैथेनॉल, ठीक है। इस तरीके से हम इनके कंपाउंड्स जो हैं उनके नेम करेंगे और उसके लिए IUPAC के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये आगे वाली वीडियो में हम IUPAC के बारे में जानेंगे। तो आई होप सो कि आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ में नीडफुल और जो भी आपके साथी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके सहपाठी हैं, उनको चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, और यूं ही ढेर सारा प्यार कृष्णाष्टमी के साथ बांटते रहिए। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।